रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में 8 साल हो चुके हैं और एक खतरा मंडरा रहा है कि क्या रूस कहीं न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा। हालांकि इन सबसे इतर झारखंड में भी एक बम की चर्चा हो रही है और वो एटम बम का। एटम बम कहां से गिरेगा, कौन गिराएगा, तो जाहिर सी बात राज्यपाल ने एक बयान दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने एक बयान दिया है कि एक एटम बम तो फूट ही सकता है, एकाध एटम बम। अब इसके मायने क्या है, इसको लेकर एक बार फिर से राजनीति जो है वो गर्मा गई है झारखंड की। मामला खनन लीज से जुड़ा हुआ है। खनन लीज पर राज्यपाल के बयान से सर्द मौसम में एक बार फिर से झारखंड की राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया गया है। जेएमएम ने सीधे तौर पर राजभवन पर निशाना साधा और राजभवन को राजनीति से दूर रहने की नसीहत दी है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम पर पलटवार किया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा दो, उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा, तीन खास मेहमानों के साथ तारुफ भी कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले को लेकर कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग का लिफाफा राजभवन पहुंचा था, उसके बाद सूबे की सियासत में भूचाल आ गया था। कयासों के बाजार के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चली, बयानबाजी हुए, लेकिन फिर सब शांत हो गया, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन दीपावली पर अपने घर रायपुर गए राज्यपाल रमेश बैस ने एक धमाका किया है। निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन झारखंड में कभी भी एटम बम फूट सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की भावना से या किसी को बदनाम करने के लिए मैं कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूँ, मुझे संविधान की रक्षा करना है, संविधान के अनुसार चलना है। अब इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने बदले की भावना से किया है, इसके लिए ही मैंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। अब जहां फटाके के बात किए, दिल्ली में फटाका तो बैन है, झारखंड में फटाका बैन नहीं है। अब हो सकता है कि ये कात एटम बम फट जाए की बात आप किसको डरा रहे हैं? शिबू सोरेन के बेटे को डरा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डरा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जब जब प्रहार हुआ है, जब जब आक्रमण हुआ है, प्रताड़ित किया गया है, तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर सामने आई है। तो आप जिस जो कवायद कर रहे हैं उससे हासिल तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि झारखंड जनमानस को आप आघात पहुंचाना चाहेंगे तो उसके परिणाम गंभीर होंगे, राजनीतिक परिणाम भी और सामाजिक परिणाम। भले ही अपने बयान में महामहिम ने यह भी कहा है कि राज्य में सरकार को अस्थिर करने की उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन राज्यपाल की बात सर्द मौसम में भी सूबे की सियासत में गर्माहट लाने वाली है। सत्ताधारी जेएमएम का कहना है कि दोबारा मंतव्य मांगना संवैधानिक संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। लगता है कि मामले को मैनिपुलेट करने की साजिश चल रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल पटाखा फोड़े या फुलझड़ी, जनता को दिग्भ्रमित न करे। और मीडिया के माध्यम से ये खबर हम लोगों को भी मिला है और स्वाभाविक है कि दीपावली है तो सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में इस तरह का माहौल है, बम पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन जो बयान राज्यपाल महोदय का आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं के विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। देखिए, हम लोग भी यही चाह रहे थे कि राज्यपाल महोदय के आदेश पे कम से कम बम भी फटे, फुलझड़ी भी जले। लेकिन जिस प्रकार भ्रम की स्थिति लगातार कई महीनों से महामहिम के द्वारा फैलाई जा रही है, तो इसमें ना तो बम फट रहा है ना तो फुलझड़ी जल रही है। राज्य की जनता भी उसी और टकटकी निगाहें रखी हुई है कि कब हमें बम की आवाज़ सुनाई पड़े या फुलझड़ी की लाइट जो है हमें दिखाई पड़े। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि महामहिम इस पर जल्द निर्णय ले लें। महामहिम ने यह कभी कहा है कि हम चुनाव आयोग से दूसरी बार मंतव्य के लिए भेजे हैं, तो यही बात महामहिम बहुत पहले अगर कह दिए रहते तो जो राज्य में भ्रम की स्थिति अधिकारियों और जनमानस के बीच है वो कम से कम खत्म हो गई रहती। और महामहिम तो स्वाभाविक तौर पर राज्य के अभिभावक हैं, अब एक अभिभावक को इस प्रकार की राजनीति शोभा नहीं देता। सत्ता पक्ष का वार हुआ है तो विपक्ष का पलटवार भी लाजमी है। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने जहां राज्यपाल के बम वाले बयान को मजाक के लहजे में दिया बयान कह रहे हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि राज्यपाल का निर्णय संवैधानिक कार्य है, सभी पार्टियों को संवैधानिक निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी मजाक में भी किसी बात को बोलते हैं तो उसका अर्थ को अलग अलग ढंग से
लोग परिभाषित करने लगता है, क्या संवैधानिक प्रमुख की है और संविधान की रक्षा करना उनका दायित्व तो बनता है। तो अब आरोप लगाने वाले तो राष्ट्रपति पर भी लगा देते हैं, राज्यपाल पर भी लगा देते हैं, चुनाव आयोग पर भी लगाते हैं, ईडी और सीबीआई पर भी, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। महिम, राज्यपाल के किसी भी बयान पर किसी भी राजनीतिक दल को सार्वजनिक टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। इसलिए माननीय राज्यपाल ने क्या कहा है उस पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि इन्होंने सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा है, जो इनकी संवैधानिक बाध्यता नहीं, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से भी आगे बढ़कर महामहिम ने कार्य किया। उनको दोबारा ओपिनियन लेने की आवश्यकता नहीं थी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। तो उन्होंने तो दो कदम आगे बढ़कर फिर से सेकंड ओपिनियन लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को अपना मंतव्य राजभवन को सौंपा। तब से अब तक लिफाफा तो नहीं खुला। हाँ, वक्त दर वक्त इसको लेकर सियासत जरूर खुल जाती है। ये सिलसिला कब तक चलता है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर और आयुष की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट दिखाने से पहले मैंने रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र किया था। वजह साफ है कि देखिए लगभग स्थिति एकदम सामान्य है। रूस यूक्रेन के युद्ध के भी 8 महीने हो चुके हैं और झारखंड में भी स्थिति वही हो गई। फरवरी में एक मामला था, अक्टूबर पहुंच गया, 8 महीने यहां भी हो गए। वहां अब न्यूक्लियर बम को लेकर एक चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस अटैक कर देगा। यहां भी एक बम की एंट्री हो चुकी है झारखंड में भी। हालांकि दिवाली के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम ओके, सल्फर ऑक्साइड ओके, नाइट्रस ऑक्साइड ओके और PM10 और PM2.5 एकदम ओके। लेकिन अब ये बम गिरने वाला है ये जानकारी आ रही, तो क्या झारखंड का जो माहौल है, झारखंड का जो वातावरण है वो खराब होने जा रहा है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का, माफ कीजिएगा हमारे मेहमानों का। हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ेंगे बीजेपी से, हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जुड़ेंगे जेएमएम से और डॉक्टर एम तौसिफ जुड़ेंगे कांग्रेस से। सबसे पहले हम सरोज सिंह का रुख कर लेते हैं क्योंकि राज्यपाल का बयान आया और उस बयान के बाद से सियासत शुरू हुई है। और राज्यपाल का बयान आया इसलिए है क्योंकि ये शिकायत जो है बीजेपी की ओर से की गई। तो सबसे पहले एटम बम फोड़ने की बात उन्होंने की है कि एटम बम एकाध फूटने वाला है झारखंड में, क्या मायने इसका है बीजेपी की ओर से हम चाहेंगे। सरोज सिंह आप बताइए, राज्यपाल महोदय ने क्या कहा है कि उनके क्या मायने हैं उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो मायने आप निकालिए, मायने विपक्ष वाले निकालें, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री अपने नाम से जो उन्होंने लीज लिया है, स्वयं के नाम से लीज लिया है और उस लीज को जो लिया है उसके खिलाफ जो है पार्टी ने कंप्लेन किया था और पार्टी ने कंप्लेन किया था उसके आधार पर चुनाव आयोग ने में वो भेजे थे। चुनाव आयोग क्या डिसीजन करके उनको भेजा है। पार्टी भी चाहती है इसको जल्दी सार्वजनिक हो और हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नर साहब महामहिम इसको जो भी ओपिनियन आया है जो भी है उसको सार्वजनिक करें, उसको आके उसको सामने जनता के बीच ले आए और उसका जल्द से जल्द फैसला दे दें, हम लोग भी चाहते हैं। और पार्टी ने कंप्लेन किया था कि ये देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली घटना है जब कोई मुख्यमंत्री स्वयं के नाम से लीज ले लिया हो और स्वयं के नाम से लीज लिया हो और ये जो है जो करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट है उसका भी उल्लंघन है, पार्टी ने कंप्लेन किया है। अब क्या आया है क्या नहीं, वो महामहिम का विषय है और महामहिम किस संदर्भ में कहे हैं क्या कहे हैं ये इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना मुझे जानकारी है, ये तो महामहिम बताएंगे। लेकिन जल्द से जल्द फैसला हो, या पार्टी भी चाहती है कि जो भी फैसला हो जल्द से जल्द हो क्योंकि हम लोग कंप्लेन किए थे और इस पर कार्रवाई जो भी हो सामने आ जाए। बिल्कुल, तो एटम बम वाली रिपोर्ट तो हमने दिखाई कि एटम बम ने साफ कहा, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि एटम बम एकाध फूट सकता है झारखंड में आने वाले दिनों में। सीधे तनुज खत्री का रुख, तनुज खत्री क्योंकि निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जाहिर सी बात है शिकायत उन्हीं को लेकर की गई है, मंतव्य उन्हीं का आया हुआ है, तो इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? यानी कि राज्यपाल के पास वो मंतव्य आया हुआ है, वो फैसला ले सकते थे, अब सेकेंड ओपिनियन की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपने यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात कही और उसके बाद आपने बताया और आपने दिखाया भी कि किस तरीके से एटम बम की भी एंट्री अब जो है राजनीति में झारखंड की हो गई है। हाँ, लेटर बम था, एटम बम पे आ गया है। तो एटम बम यानी कि परमाणु बम जो है वो अगर उसका विस्फोट होता है तो उसका दायरा 1000 से लेकर 5000 किलोमीटर होता है। मान के चलिए जैसा जैसी चर्चा हो रही है उस अनुसार से झारखंड में अगर एटम बम फूटेगा तो दिल्ली तक उसका असर जाएगा।
बहरहाल लगातार 25 अगस्त से मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, झारखंड के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। और ठीक आपने कहा पंकज जी कि एक युवा मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आंदोलनकारी का बेटा, जो लगातार झारखंड के जन आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास, जहां वही मुख्यमंत्री आवास है जहां धारा 144 लगे रहती थी, वहां लोग अबीर और गुलाल खेलने के लिए जा रहे हैं। तो इससे हताश होकर के, निराश होकर के कोई मुद्दा नहीं बचा है आज भारतीय जनता पार्टी के पास, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए उलूल जुलूल चीजें, अनर्गल बयानबाजी जो इनके नेता लगातार करते हैं और जो उस तरीके के बयान आते हैं उसका समर्थन करते हैं, तो आज मुद्दा नहीं बचने के कारण राजनीतिक हाशिए पर है, इसलिए इस तरीके की चीज हो रही है। अरे आप, हम तो यही कह रहे हैं ना लगातार कि छात्र आज राइट टू इंफॉर्मेशन के जमाने में छात्र जो कॉपी लिख करके आता है ना, उसको भी देखने का उसको अधिकार है, हूबहू उसको जेरोक्स कॉपी दे दिया जाता है देखने के लिए। लेकिन आप अगर कोई मंतव्य आया है जैसा कि आया है तो उसको राजभवन को, ठीक है सार्वजनिक नहीं करना है तो मुख्यमंत्री को बुला के दिखाने का उसमें प्रावधान है, क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? सेकेंड ओपिनियन की जो बात हो रही है पंकज जी, मैं नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि सेकेंड ओपिनियन, और सेकेंड ओपिनियन ये पूरे, ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि आजाद भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में और उसके पहले के भी भारत के इतिहास में सेकेंड ओपिनियन जो होता था ना, ये तो वही बात हो गई कि भगत सिंह को फांसी 23 तारीख को होनी थी, प्रस्तावित थी, और एक दिन पहले जो है उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया बिना बताए। तो ये उससे भी बदतर शासन चल रहा है ना। क्यों मैं सेकंड ओपिनियन की बात कह रहा हूं कि सेकंड ओपिनियन जब भी लिया जाता है पंकज जी, मैं बता रहा हूं पंकज जी सुन लीजिए, ये बहुत प्रमुख बात है, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। सेकंड ओपिनियन हमेशा जब होगा तो दूसरी संस्था से होगा, दूसरे लोगों से होगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है ना, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, हाईकोर्ट में भी प्रावधान है। आप किससे सेकंड ओपिनियन की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है? उसी से जिसने पहला ओपिनियन दिया है, और पहला ओपिनियन का नतीजा भी पता नहीं है, सीधे सेकंड ओपिनियन, ये बात समझ से परे है। अगर इसका जवाब आपके पास है तो मुझे प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल, हम एम तौसीफ के पास चलते हैं कि सेकंड ओपिनियन हो सकता है कि आपके फेवर में हो सकता है कि बहुत ही तल्ख टिप्पणी आई हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए हाइपोथेटिकल बात हो रही, पूरी तरह लिफाफा खुल नहीं रहा है, चीजें उसमें क्या है, तो हाइपोथेटिकल सवाल ही मेरा भी फिर से आपसे होगा तौसीफ साहब कि हो सकता है कि फेवर में आपके हो, ये भी तो हो सकता है ना, कि हम ये क्यों सोचकर चले कि उसमें कुछ गलत नहीं आया होगा, अब वो गलत करने के लिए सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ आया हो, कुछ गलत देखिए उसमें तक, देखिए उसमें कुछ है नहीं। बहुत अच्छी बात कहा तनोज खत्री जी ने कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है और सरकार आपके द्वार चली गई है, पहले तो ये अपने द्वार पे भी लोगों को नहीं आने देते थे, अब तो सरकार ही आपके द्वार चली गई है। जितनी भी स्कीमें इन्होंने बंद किया था, इस सरकार ने उसको लागू किया, और इस सरकार ने जितने मतलब जो वादा किया था उसको पूरा किया, तो इनके इनकी ज़मीन तो पहले ही खिसक गई थी, अब जो बची हुई है तो उसके लिए ये बौखलाए हुए हैं। अब देखिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, ईसी का इस्तेमाल, यहाँ तक के अब राज्यपाल जी का, अब ये कहने में जरा भी गुरेज अब हम लोगों को नहीं है, इसमें जरा भी गुरेज नहीं है कि रिमोट कंट्रोल जो है वो दिल्ली में है और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा सारा काम हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, माइंड गेम है ये, लोग साइकोलॉजी से खेलना चाह रहे हैं, तो हम लोग इनसे ज्यादा साइकोलॉजी जानते हैं कि क्या होगा, ये डाल डाल तो सरकार जो अभी यहाँ पे है वो पात पात। ये डबल ओपिनियन, दोबारा ओपिनियन की जो बात कर रहे हैं, किस चीज का ओपिनियन? इसका मतलब कि आपके पक्ष में सारी चीजें नहीं आई थी, तो आप अब ये वहां पे जो लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं उनसे बैठ करके लिखवाइएगा कि इस तरह से लिखिए ताकि इनको घेरें, तो आप घेर नहीं सकते हैं, आप घेर नहीं सकते हैं, सिर्फ संविधान यही लोग नहीं जानते। ये देखिए गांधी जी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, तो ये परेशान कर सकते हैं चूंकि ये केंद्र में इनकी सरकार है, और ये जो बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जरा बताएं ये जयचंद लोग कि इनके जो लड़के थे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद 2013 में और 14 में जब इनकी सरकार बनती है, तो इनका 16,000 गुना, 50,000 से 16,000 गुना कैसे प्रॉफिट होता है, ये जयचंद जी जरा बताएं,
ये कौन सा मैकेनिज्म है भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कि अचानक इतना इनके पास हो जाता है दौलत? ये कौन से लोग हैं कि जो अडानी को दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, इस मुद्दे से भटक नहीं रहे। ये जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये अपने गरीबा में तो झांके, ये अपने गरीबा में झांके कि कितना इनके अंदर जो है ये छेद है और कितना इनके ऊपर एलिगेशन है। अभी जो है ये सत्ता में है तो ये चाहते हैं कि हम घुमाएंगे, घूमने वाली नहीं है ये सरकार। सरकार को यहाँ की जनता ने चुना है 5 साल के लिए, और 5 ही साल नहीं 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ेगा। सोपड़ा साफ हो चुका है, हो जाएगा। बिल्कुल सरोज जी, देखिए बोल रहे कि आप अपने अंदर झांके, खैर वो अलग बात है, ये चीजें होती रहती है, लेकिन ये बात तो सच है कि शिकायतकर्ता आप है, कंप्लेनेंट आप है, आपने शिकायत की, तो आपको भी तो थोड़ी चिंता होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि आरटीआई दाखिल किया जाता बाकायदा, यूपी का प्रतिनिधिमंडल जाता राजभवन के पास कि आप चीजें स्पष्ट कीजिए, तो शिकायत आपने किया है तो आप भी तो रिजल्ट चाहते होंगे ना, तो बीजेपी की ओर से ये चीजें क्यों नहीं मांग की जा रही है अगर ऐसा है तो? आपने देखा ना, मैं इससे पहले जब बोला तो मैं क्या कहा, हमने तो मांग ही किया ना कि भाई हम भी चाहते हैं कि गवर्नर साहब जल्द से जल्द फैसला दे। हम तो अभी चाह रहे लेकिन करते दिख नहीं रहे ना, ये चीज तो है। जैसे देखिए यूपी प्रतिनिधिमंडल जाता है, मुख्यमंत्री जाते हैं मिलने के लिए, आरटीआई दाखिल किया जाता है, बीजेपी क्यों नहीं कर रही ऐसा? देखिए जबकि जब एक चीज जरा बताइए ना, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था में जिस तरह से ये लोग दोनों लोग बात कर रहे हैं, मैं उस जिस तरह से एक तो गवर्नर साहब का ऑपरेशन कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है गवर्नर साहब अब ये लिखवाना चाहते हैं, आप करवा रहे हैं बीच में, देखिए इतनी देर से का और गवर्नर गलत बात नहीं, बीच में मत बोलिए सब, क्यों नहीं गलत, आप फड़ाइए मत, बीच में मत बोलिए, बीच में यूज कर रहे हैं आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि जजेस बाहर आकर के इस लोकतंत्र को डेमोक्रेसी के बारे में कहा, साहब का लोकतंत्र जो है खतरे में, भाषा पर भी नियंत्रण रखिए, साफ आप लोग मत होइए, माइंड गेम जो है वो अगर खेल रही, सुनिए सुनिए शांत रहिए और सुनिए, दोनों लोग बोले लगातार जवाब देने दीजिए, बेचैन मत होइए ना, तड़फड़ाइए मत, बेचैन मत होइए। देखिए सवाल ये है ना कि दोनों लोग जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, ये है वो है, हमने तो पहले कहा कि गवर्नर साहब से हम भी मांग करते हैं, और अभी तो अब विषय पर नहीं बोल करके सरकार इतना काम कर रही है सरकार, अरे 42 दिन से आय प्रमाण पत्र और ये नहीं बना है, सरकार कह रही है जनता के द्वार, और 42 दिन से आय प्रमाण पत्र और ये नहीं बन रहा है, बताइए ना किसका नहीं बन नहीं रहा, 42 दिन से बंद है, सभी का बंद है, लोग जो है सो आपका आय प्रमाण पत्र फिर बीच में बोलने लगे, अरे आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा बताइए इनको, अरे पहले डिबेट लाइक इन लोगों से डिबेट सिखाइए, आप इनको बोलिए चुप रहिए, और आपसे ज्यादा जानते हैं तौसीफ भाई, वो मुद्दा तो है क्योंकि देखिए राजस्व जो अपने रक्षक है वो तो है हड़ताल पे, इसमें तो तुम्हें कोई दो राय नहीं है, 42 दिन हो गए, 42वां दिन था, ये बात भी सच है कि लोग बोल रहे थे, वो इनको बोलिए ना शांत रहे, सुन तो रहे, देखिए क्या दिक्कत है ना कि जब बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई, अब जवाब देना ना, जब हम बोलेंगे जवाब दीजिएगा, जनता करेगी कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सरोज भाई अब भी इसी पर है जनता, हम इसी पर है, तो जब ये चले गए पूरा घूम करके सरकार इतना काम कर रही है तो सरकार का हम भी उपलब्धि थोड़ा गिना देना, इन बेचैन क्यों है, वो तो जा रहे थे उस दिशा में तो आप मना नहीं किए, तो अमित शाह जी तक चले गए, जो भ्रष्ट सरकार कोलगेट घोटाला से लेके घोटाले वाली सरकार, और इनके सरकार में भी जा रहा है, समय बर्बाद किया है, जानकारी है आपको, हम लोगों का एक ऐसा व्यवहार था कि शांत करिएगा, झारखंड के भविष्य को लेकर राज्यपाल के दिमाग में क्या, या फिर वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं, क्या मंतव्य देने वाले हैं, उस पर चर्चा करें। सरोज जी देखिए पहले हमको मना करिए, आप बीच में नहीं बोले ना, सरोज जी नहीं बोलेंगे वो, चलिए इतिहास की बात क्या बोल रहे हैं, इतिहास की बात को छोड़ देते हैं, क्या होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं क्यों चर्चा, जिस बात को वो उठाए उसका जवाब तो देंगे ना हम, जिस बात को ये उठाए उसका जवाब देंगे ना, लेकिन अब ऐसे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे ना, नहीं तो जो जिस विषय को हम इसी पर आप उस समय इनको नहीं मना किए, आप उनको इस समय नहीं मना किए कि इस विषय को आप क्यों उठाए, तो उसका हम जवाब देंगे ना, जब इनकी केंद्र में सरकार थी तो सीबीआई जब जांच कर रही थी और सीबीआई जब छापे मार रही थी तो किसी बीजेपी के नेता के यहाँ नहीं छापा पड़ रहा था, इन्हीं के सारे नेताओं के यहाँ उस समय भी पड़ रहा था,
उस समय भी कांग्रेस राजद इन्हीं के नेताओं का पड़ रहा था। लैंड घोटाला करेंगे ये लोग, और यूरोपा लैंड घोटाला 1800 करोड़ दिया, उस पूरी डायरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने तनुज खत्री के पास चले, डॉक्टर तनुज खत्री के पास चलता पहुंचाया। नहीं नहीं ऐसा डिबेट नहीं होगा, नहीं नहीं ये डिबेट नहीं होगा, इस तरह डिबेट थोड़ा होगा। हम भी नहीं बोलने देंगे इनको, ये भी बोलेंगे हम बीच बीच में टोकेंगे, ये भी बोलेंगे हम हर शब्द में टोकेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। मत तौजी भाई मत आप रोकिएगा बीच में प्लीज। चलिए सरोज जी कंटिन्यू कीजिए आप। नहीं इसी पर आइए, इसी पर आइए कि वो ईमानदारी जो दिखनी चाहिए कि बीजेपी वापस चाहती है उसी पे बात कर रहे थे कंप्लेनेंट आप लोग। अच्छा आप बताइए देश के इतिहास में ऐसा कहीं हुआ है क्या? लेकिन शिकायत नहीं, नहीं आप लोगों कि मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज लिया हो, और इनको बेचैनी क्यों? इनके तो कई केस चल रहे हैं कई जगह, हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कई अदालतों में केस चल रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं बेचैन हो रहे कि जल्दी से फैसला दे दीजिए? कई फैसले रिजर्व हैं, उसके लिए क्यों नहीं जा रहे हैं रोज अदालत में कि इसको जल्दी से फैसला दे दीजिए? क्यों नहीं जा रहे हैं? तो एक मिल गए हैं गवर्नर साहब, हर बात में गवर्नर साहब ऐसे अरे गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नर साहब का विषय है, उस पर हम पहले भी बोला टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं कि एक ने तो कह दिया कि बुला के उनको दिखाने का अधिकार है, जजमेंट का ही दिखाया जाता है कि बुला के उनको दिखा दे, परीक्षा का कॉपी है, क्या क्या बोल रहे हैं डिबेट में समझ में नहीं आ रहा है कि लगता है कि कानून का ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई ओपिनियन आया है डिसीजन, जिस तरह से गवर्नर संवैधानिक संस्था है, गवर्नर साहब को किसी न्यायाधीश को या न्याय करने वाले को या कोई भी संस्था को आप कह सकते हैं क्या जल्दी फैसला दीजिए? कोई कहता है क्या वो क्या करेंगे कब करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन जो है सो जो बोले जा रहे हैं ठीक है बोलिए, हम तो खुद ही चाहते हैं, हम लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई महामहिम इस पर जल्द से जल्द जो है निर्णय दे। हम लोग कंप्लेन किए, हम लोग भी सरकार जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी, हम तो इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं, 7 से लेकर 13 और पूरे नवंबर में पार्टी की आंदोलन तय है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को जल्द से जल्द फैसला आए। भैया भ्रष्टाचारी सरकार जितना जल्दी चला जाए उतना ही अच्छा है, भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है और यहाँ पर डिबेट में विषय क्या है और क्या हो रही है। सरोज जी तनुज जी और तौसिफ जी छोटे से ब्रेक लेंगे, यहाँ पर रुक रहे हैं, इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल साहब खत्री जेएमएम से और डॉक्टर एम तौसिफ हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बहुत देर से हम तनुज जी के पास नहीं गए। तनुज जी देखिए हम एक बात लगातार ये बात कह रहे साहब के, देखिए राजभवन पर हम सवाल उठा नहीं सकते, राज्यपाल से हम सवाल पूछ नहीं सकते, लेकिन कई एक मौकों पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बयान उनकी ओर से खुद आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि गोंद उसका बहुत ही मजबूत है, लेटर जो है वो खुल नहीं पा रहा है, कई बार एटम बम जैसी बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि राजभवन थोड़ा सा राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है? सवाल नहीं उठा सकते हैं, सवाल उठाने की बात नहीं हो रही है, हम कोई पहले से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बातें आ रही हैं उस पर चर्चा हो रही है। यार आपने भी आपके चैनल ने भी उसी में उसी के लिए आमंत्रित किया है, विषय भी तो वही है ना। बिल्कुल, तो जब विषय वही है तो विषय विषय वस्तु तो उस पर जो प्रमुख जो चीजें हैं जिनके द्वारा जो भी शब्द निकले तो चर्चा तो होगा, उसमें करना ही पड़ेगा, आप चाहे उसको स्वीकार करें या नहीं। और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, कि सुबह 5 बजे सरकार को गिराया गया, 6 बजे सरकार को बनाया गया, किस तरीके से विधायकों को दूसरे अन्य राज्य में ले जाकर के उसको खरीद फरोख करने का काम किया गया, तो लगातार कोरोना काल तक में उस चीज से बाज नहीं आए थे लोग, तो चर्चा तो अब होगी ही, सवाल तो उठेंगे ही। और हम समझते हैं कि लोक यही असली लोकतंत्र है भारत का, कि सवाल होना चाहिए, तो सवाल अगर हो रहा है, देखिए हम कोई वैसी भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया, हमने अभी जब से आपका डिबेट स्टार्ट हुआ हमने मर्यादित भाषाओं में ही चर्चा की, और इसके पहले भी जब सुबह से ये बातें आज आ रही हैं तब भी हमने उसी भाषा में जवाब देने का काम किया, और हमें हमारे और कांग्रेस ने सभी हमारे गठबंधन के दल के नेताओं ने ये खुद बोल रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं। बताइए ये कोई अच्छा लगता है ऐसे महामहिम के विषय में ऐसा बोलना, हम क्या अब क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? इस तरीके का शब्द को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो किसी के रूप के तरफ से भी। दूसरी बात कि अगर बम फोड़ने की बात है तो फोड़ दीजिए ना, खत्म कर दीजिए, तहस नहस कर दीजिए, हम तो वही कह रहे हैं, फोड़ दीजिए बम। आपको अगर 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है
उसको उसको हक अधिकार को छीनना है तो उसी रास्ते से आप छीनिएगा, छीनने की कवायद चल रही है, मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा है 25 अगस्त से लगातार, उस पर भी दाल नहीं गल रही है। तीन चार चार उपचुनावों में आपके नेता कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, चारों उपचुनाव हार गए, कोई एजेंडा नहीं है अब जनता के पास ले जाने के लिए। तो आप इसी तरीके की बात कीजिएगा और आप अपनी ही बातों में फंसते चले जाइएगा। इतने देर जो बातें कही, लेकिन आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि एटम बम फूटेगा तो कुछ नुकसान ही होगा, सरकार पर ही नुकसान पहुंचेगा, ऐसा लग क्यों रहा है? देखिए अभी बच्चा बच्चा जानता है, हम एटम बम की बात हो रही है, पहले बात तो ये कोई फुसफुस बम की बात होती तो समझ में आता कि चलो भाई एटम बम की बात आप कर रहे हैं, 1,000 से 5,000 किलोमीटर उसका रेडियस होता है, तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को नुकसान होगा उससे, सिंपल सी बात है। और ये बात बार बार हम आज सुबह भी मैंने ये बात कहने का काम किया कि कोई मीडिया का साथ सवाल कर रहा था कि जब देखिए जब ऐसे हाइपोथेटिकल बात होगी, सार्केजम वाली बात होगी, तो फिर ये भी जानने की जरूरत है कि यही झारखंड के लोग हैं जो बड़े से बड़े बम का जिसने जवाब तीर धनुष से दिया है, आगे भी देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए सरोज जी के पास चलते। सरोज जी मतलब जिस तरीके से हमने प्रतिक्रिया हमने देखी बीजेपी की ओर से आई, उसमें साफ कहा गया कि मतलब कि जैसे दिवाली का वक्त था, दिल्ली में बैन की बात होती पटाखों की, झारखंड बैन नहीं था, तो वो एटम बम वास्तव में यहाँ जो पटाखे चल सकते थे, जो एलिजिबल थे, परमिसेबल थे, वो उन्हीं की बात थी या फिर वाकई में कुछ गुण भी आपको लगा कि वो हो सकता है, हल्का फुल्का अंदाज ये था वो? देखिये पहले ही बताइए, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, यहाँ खत्री जी बैठे हुए हैं, बार बार खत्री जी जिस तरह से महामहिम पर कह रहे हैं कि बम फोड़ दीजिए, आप बर्बाद कर दीजिए झारखंड को, क्या क्या जो नहीं कहना है वो सब बातें कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, किस तो कौन कर रहा है इस तरह की बातें, आप टिप्पणी कर रहे हैं। मैं तो पहले कहा कि इस महामहिम ने क्या कहा इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतना ही है कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज लिया है कि नहीं, उस पर इनको कुछ बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने लीज नहीं लिया है उनको। अब ये लोग इतने बेचैन हैं तो डरे हुए, जो आपने कहा कि डरे हुए, इसलिए डरे हुए कि इनको पता है कि इन्होंने गलती किया है, इनके मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज दिया है, अपने पर्यावरण मंत्री रहते अपने पर्यावरण क्लियरेंस दिया है, तो इनको पता है कि माइंस मिनिस्टर रहते माइंस लिया है, पर्यावरण मंत्री रहते क्लियरेंस दिया है अपने नाम से, तो इनको डर है, अगर डर नहीं रहता तो ये क्यों बेचैन रहते। आज इस तरह से कोर्ट में केस चल रहे हैं और महंगे महंगे वकील आ रहे हैं केवल इसलिए कि जांच में नहीं जाए। अरे भैया आप ईमानदार हैं, आप सब कुछ सही है, तो जांच से क्यों डर रहे हैं? आपको जांच करा लेना चाहिए कि भाई जांच कर लो, क्या दिक्कत है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है कि जांच होगी तो हम कहीं ना कहीं। अब बताइए ये सरकार, ऐसी सरकार कभी नहीं थी, ऐसी सरकार तो कभी नहीं थी रे भाई कि मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड AK-47 मिल रहा है एक मुख्यमंत्री के चाहते कि हाँ ये मुख्यमंत्री का जो प्रतिनिधि है, एक बार जरा सुनिए, नहीं नॉन स्टॉप बीच में नॉन स्टॉप ही बोलते, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि जेल में किस केस में है और वहां से जेल से वो ठीका मैनेज कर रहे हैं, आप ही लोग छाप रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं मीडिया ट्रायल करा जा रहा है, आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप लोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल मीडिया ट्रायल, यानी आप लोग बिगड़े हुए, इनका कहने का मतलब यही है कि आप लोग चला रहे हैं तो भाजपा के, अब ये कहने का मतलब आप बता रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है कि मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, यानी कि आप हमसे प्रभावित है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, आप पर आरोप लगाया ना इन्होंने कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल शब्द है, क्या बात कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है यानी कि हम लोग करवा रहे हैं, क्या होता है, कर रहे हैं हम लोग के कहने पर, इनके कहने का मीनिंग यही ना मुख्यमंत्री का मीनिंग तो नहीं है ये तो राज्यपाल साहब ने कहा है कि अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का फोन पकड़ाया कि नहीं, आप ही लोग ने चलाया, जेल से बैठ के मैनेज कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी ईडी ने चार्जशीट किया कि हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, अवैध माइनिंग हुआ है, यह भी गलत है क्या? तो ऐसी सरकार तो नहीं है, ऐसी सरकार तो नहीं, पहले की सरकार नहीं थी, बोले सरकार जो है इसको एकदम ऐसी सरकार तो कभी नहीं आई थी, सच में ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी, बात तो सही है, सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो केवल जो है सो गवर्नर के माध्यम से महामहिम ने क्या कहा नहीं कहा वो तो महामहिम का विषय है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये फैसला आ जाए, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है,
पूरी सरकार भ्रष्टाचार में है, जहां देखिए वही जो सरकार खान लोहा कोयला और जो कह रही है जंगल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार आई वो जंगल जंगल जमीन के लूटने पर लगी हुई है। देखिए ट्रायल तो हम करेंगे क्योंकि ट्रायल तो हमको करना होगा, क्योंकि देखिए हमें हमारे पास भी चीजें है नहीं, क्योंकि सब कुछ कयास भी हो रहा है, हाइपोथेटिकल ही हो रहा है, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के बयान बीच बीच में राज्यपाल साहब के आ जाएंगे तो हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें झारखंड की चिंता है, झारखंड की सरकार की चिंता है, झारखंड वासियों की चिंता है, क्योंकि झारखंड से जुड़ा मुद्दा है, तो हम तो ट्रायल करेंगे और हमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, बिल्कुल हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल करने का हमारा हक होता है, क्योंकि हम चीजों को, और इसलिए आपको तीन पक्षों में रखते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम अकेले खबर दिखा दे रहे हैं, हम तीनों पक्षों को रखें यहाँ पर, जेएमएम से, बीजेपी से, कांग्रेस से, और तीनों की बात हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रायल तो चलिए हो रहा है लेकिन स्पष्ट के साथ होना, पारदर्शिता के साथ होना पूरे। तौसिफ साहब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुहावरे भी होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके मजाक भी और मखौल भी उड़ते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो यूज करने पे संविधान का भी मखौल उड़ जाता है, तो आजकल ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ लोग शब्द को और मुहावरे को समझ नहीं रहे और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि डिबेट में किस तरह से बोलना है। इन्होंने क्या कहा, मीडिया ट्रायल का मतलब क्या है? देखिए बात वो नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को है, ये सत्ता पक्ष जो यहाँ पे सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उन किसी को किसी तरह की कोई बेचैनी, मैंने पहले ही कहा कुछ भी नहीं है, माइंड गेम है, ये साइकोलॉजी से खेलना चाह रहे हैं, ये केंद्र में बैठी हुई सरकार रिमोट कंट्रोल के द्वारा तरह तरह के सगुफे छोड़ती है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसको जो है मीडिया में और ऐसे माउथ कैंपेन करके आम कर रहे हैं, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए बात तो निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी, तो देखिए पिछली सरकार में जिस तरह, देखिए कहने का मतलब ये है एकदम आज तो आएगा ही, आप केंद्र में बैठे किसके, ये जितनी भी एजेंसियां हैं किसके अंडर में आती है, हेमंत सोरेन जी के अंडर में आती है, ईडी, सीबीआई, ईसी, ये सारे जो भी है, और जो सबसे बड़ा जो जो एक एजेंसी है वो जो जुडिशियरी है जिस पे सभी की आस्था है, ऐसे तो सब पे सबकी आस्था है लेकिन जुडिशियरी एक ऐसा है कि उसको आंख बंद करके लोग जो है मानते हैं कि नहीं यहाँ पे अभी भी अच्छा काम आ रहा है। क्या इनकी सरकार में ही जजेस बाहर निकल के लोकतंत्र पे, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब ये है कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है यानी लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इसी का मिसयूज हो रहा है तो लोकतंत्र का हनन, एक चीज और जो जो चीजें पकड़ी भी नहीं, छापेमारी, देखिए छापेमारी जिस तरह से जज लोया का, जो जज लोया का केस चल रहा था और उस पे जब इन लोगों ने सवाल उठाया, जजेस ने उठा दिया तो इनको खलबली मच गई, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2013 के बाद जिस तरह से इन लोगों ने जो 14 के बाद मिसयूज किया है लोकतंत्र को और लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, नफरत इतनी ज्यादा बढ़ा दिया है कि आपस में सबको लड़ा दिया है, रोजगार खत्म कर दिया है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, सारी चीजें है, तो ये नहीं नहीं ये तो बात तो आएगी और नहीं बात तो आएगी, नहीं बोलेंगे बात तो आएगी, बात तो आएगी, क्या बेरोजगारी नहीं है, आप आए थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, यहाँ लोगों को बेरोजगार कर दिया, किसको आपने बनाया, अडानी और अंबानी को, आज अडानी जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, किसने बनाया, वो हीरो से हीरो बन गया, किसने बनाया, और नहीं गए तो जवाब देना, आप आए हैं एक ले देकर के, आप आए हैं कि यहाँ ये सत्ता ले लिया और नीज ले लिया, किसी ने नहीं लिया है, कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जितना ये लोग जितना चिल्ला ले, जहाँ जाना है जाए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरोज जी साफ तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मिसयूज किया जा रहा है, क्या ईसीआई का इस्तेमाल भी हुआ है, क्या राजभवन का इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी की ओर से, हम ये जानना चाहते हैं स्पष्ट तरीके से, क्योंकि शिकायत आपने की, बेचैनी देख रहे हैं ना, बेचैनी देख रहे हैं जी सबकी, एक चीज बताइए, 22 करोड़ रुपए पकड़ा गए छापा मार करके एक आईएएस के यहाँ, वो 22 करोड़ रुपए क्या मिसयूज किया, क्या ईडी ने अपने पास से ले जाकर रख दिया, क्या ईडी अपने पास से 22 करोड़ रख दिया, हम इस एक मिनट सुनिए, देखिये विषय से विषयांतर हो जा रहे हैं और विषय पे बात कर रहे हैं, एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे, लीज मुख्यमंत्री के नाम से बीजेपी साइन कर दिया था क्या,
हजारों करोड़ का कोर्ट में ईडी चार्जशीट फाइल किया है कि 1000 करोड़ के ऊपर का घपला हुआ, इनको कौन रोका है? कोर्ट में इन पर, न्यायालय पर इनको बहुत भरोसा है, ये तो बात सही है, इनको भरोसा होना चाहिए। आपको भी भरोसा करना, मेरे हमको भी भरोसा है, आपने कहा आप लोग तो जब आए तो भरोसा ही करना। न्यायालय पर हमको तो पूरा भरोसा, हमको तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। जरा सा आप बताइए ना कि अगर इन पर गलत अगर है, गलत ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, इनको कोर्ट जाने से कोई रोका है क्या? क्यों नहीं जा रहे हैं? 1,00,000 करोड़ रुपया इनके कांग्रेस की सरकार में 5,000 करोड़ रुपया का संपत्ति अटैच किया ईडी ने। आज 1,00,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ से ऊपर संपत्ति अटैच कर चुका है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, तो इनकी बेचैनी देख सकते हैं। 1,00,000 करोड़ की संपत्ति अटैच किया है भ्रष्टाचार में ईडी ने, इनके समय 5,000 करोड़ का हुआ। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वापस आ जाइए, मैंने वही बात कर लीजिए। आप सीबीआई ईडी पर जवाब मांग रहे हैं तो बोल रहे, तो आप वापस आ जाइए, ये फालतू का इधर से उधर घूम रहे हैं, उन्हें भी नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो, हम तो विषय पर आ रहे हैं, तो आप ये भाग रहे हैं, तो दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर ईडी सीबीआई अगर दुरुपयोग कर रही है तो कोर्ट कचहरी है ना, ये अपने ही कह रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, तो काहे डरे हुए भैया? कुछ नहीं होने वाला है, आपसे कोई डरेगा? अरे लोकतंत्र में क्या है, आप प्राइम मिनिस्टर और मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे भैया आप मुझे बताइएगा, आप मुझे डराइएगा, आप गजब बात कर रहे हैं, आपको गजब बात कर दी आप, इनसे कौन डरने वाला है? डरने डरा कर दिया, इसीलिए राहुल गांधी ने फिर चिल्ला यात्रा निकाला है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इन्हीं की वजह से ये खुद बोल रहे हैं। ये लोग तो डराए, पूरा डरा दिया, हिंदुस्तान को डरा दिया, पूरा भारत को तोड़ दिया। हम लोग जोड़ने पहले भी जोड़ा था, अभी भी जोड़ रहे हैं, तो ये लोग का तो काम ही है डराना, और आपसे कौन डरेगा जी? हदे चिल्लाने लगे तौसीफ साहब, भारत तोड़ दिया। ये जितनी बातें कहे हैं, ये तथ्य, ये जितना ये तौसीफ भाई ने जितना बात कहा है उसका कोई सबूत है, कोई तथ्य है? अच्छा, मॉब लिंचिंग का गहवारा झारखंड, रघुवर दास के क्या, अरे अरे क्या कर रहे हैं? चलिए पेपर ऊपर पढ़ते हैं, अरे आप पूरे दुनिया में झारखंड को शर्मशार कर रहे हैं। तनुज कदरी के पास अपना देखिए नहीं चिल्ला पाइएगा, नहीं डॉक्टर तनुज कदरी के पास आते हैं, डॉक्टर तनुज कदरी सीधे सवाल इसलिए लगातार इस बात को लेकर हो रही है क्या आप डरते नहीं है? ठीक है, बात सच है, लेकिन आप इंतजार तो कर रहे हैं ना कि इंतजार करने के बाद फैसला क्या, उसके आधार पर आप लोग कुछ आप फिर आगे की आप कदम उठाए, स्टेप उठाए? मैं नहीं सुन पाया आपका सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगले स्टेप का इंतजार तो होगा आपको ना, और इसलिए जल्दी से बात आप जल्दी करें, इसमें डरने वाली बात तो खैर है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, डरने के बात रहती तो अगले स्टेप के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना कि इंतजार इसी बात का, जल्दी से जो भी फैसला लेना ले लें। राज्यपाल साहब देखिए, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, हम लोग सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, लगातार डेलीगेशन भी गया कि कुछ यदि है तो बताइए, क्या गुनाह है ये बोलना? है गुनाह पंकज जी, बताइए। आग्रह तो किया जा सकता है, आग्रह और क्या कर रहे हैं हम लोग, आग्रह ही तो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी है, अगर कुछ होता तो ये एक आधा मिनट नहीं रुकते। आपको याद होगा पंकज जी, सब बात आप देखिए फिर, अरे फिर बीच में देखिए, मैंने संयम का परिचय दिया, बीच में नहीं बोला, पूरा सब बात किसी नहीं बोलेंगे, सब बात कुछ है नहीं तो कुछ है नहीं तो फिर बीच में बोलेगा ने कुछ नहीं है नहीं तो काहे चलिए। अच्छा, ये सब बात अपने बीच में ये बोल, छह गोलियां है, पांच गोले निकाल दिया, दबा दिया, तो चिंता तो रहता है जी, देखिएगा बेचैन के चिंता तो रहेगा, ये चिंता तो वाजिब है। अरे बेचैन आत्मा, चिंता तो वाजिब है। सुनिए पंकज जी, क्यों बेचैन है? अच्छा ठीक है, इसी पर बात करेंगे। पंकज जी आपको याद है चिंता क्यों, डर क्यों? इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तनुज खत्री थोड़ा सा माफी चाहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। सरोज जी, सरोज खत्री जेएमएम से और डॉक्टर एम तौसीफ हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
बहुत देर से हम तनुज जी के पास नहीं गए। तनुज जी देखिए, हम एक बात लगातार ये बात कह रहे साहब साहब, देखिए राजभवन पर हम सवाल उठा नहीं सकते, राज्यपाल से हम सवाल पूछ नहीं सकते, लेकिन कई एक मौकों पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बयान उनकी ओर से खुद आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि गोंद उसका बहुत ही मजबूत है, लेटर जो है वो खुल नहीं पा रहा है, कई बार एटम बम जैसी बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि राजभवन थोड़ा सा राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है? सवाल नहीं उठा सकते हैं, सवाल उठाने की बात नहीं हो रही है, हम कोई पहले से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बातें आ रही हैं उस पर चर्चा हो रही है। और आपने भी, आपके चैनल ने भी उसी में, उसी के लिए आमंत्रित किया है, विषय भी तो वही है ना। बिल्कुल। तो जब विषय वही है तो विषय विषय वस्तु तो उस पर जो प्रमुख जो चीजें हैं जिनके द्वारा जो भी शब्द निकले तो चर्चा तो होगा, उसमें करना ही पड़ेगा, आप चाहे उसको स्वीकार करें या नहीं। और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, कि सुबह 5 बजे सरकार को गिराया गया, 6 बजे सरकार को बनाया गया, किस तरीके से विधायकों को दूसरे अन्य राज्य में ले जाकर के उसको खरीद फरोख करने का काम किया गया। तो लगातार कोरोना काल तक में उस चीज से बाज नहीं आया, तो लोग तो चर्चा तो अब होगी ही, सवाल तो उठेंगे ही। और हम समझते हैं कि लोक यही असली लोकतंत्र है भारत का, कि सवाल होना चाहिए। तो सवाल अगर हो रहा है, देखिए हम कोई वैसी भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया, हमने अभी जब से आपका डिबेट स्टार्ट हुआ हमने मर्यादित भाषाओं में ही चर्चा की, और इसके पहले भी जब सुबह से ये बातें आज आ रही हैं तब भी हमने उसी भाषा में जवाब देने का काम किया, और हमें हमारे और कांग्रेस ने सभी हमारे गठबंधन के दल के नेताओं ने ये खुद बोल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। बताइए ये कोई अच्छा लगता है ऐसे महामहिम के विषय में ऐसा बोलना? हम क्या अब क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? इस तरीके का शब्द को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी के रूप की तरफ से भी। दूसरी बात कि अगर बम फोड़ने की बात है तो फोड़ दीजिए ना, खत्म कर दीजिए, तहस नहस कर दीजिए, हम तो वही कह रहे हैं, फोड़ दीजिए बम। आपको अगर 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है उसको हक अधिकार को छीनना है तो उसी रास्ते से आप छीनिएगा, छीनने की कवायद चल रही है, मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा है 25 अगस्त से लगातार, उस पर भी दाल नहीं गल रही है। 3-4 उपचुनावों में आपके नेता कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, 4 उपचुनाव हार गए, कोई एजेंडा नहीं है अब जनता के पास ले जाने के लिए। तो आप इसी तरीके की बात कीजिएगा और आप अपने ही बातों में फंसते चले जाइएगा, इतने देर जो बातें कहीं। लेकिन आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि एटम बम फूटेगा तो कुछ नुकसान ही होगा, सरकार पर ही नुकसान पहुंचेगा, ऐसा लग क्यों रहा है? देखिए अभी बच्चा बच्चा जानता है, हम एटम बम की बात हो रही है, पहले बात तो ये कोई फुसफुस बम की बात होती तो समझ में आता कि चलो भाई एटम बम की बात आप कर रहे हैं, 1,000 से 5,000 किलोमीटर उसका रेडियस होता है, तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को नुकसान होगा उससे, सिंपल सी बात है। और ये बात बार बार हम, आज सुबह भी मैंने ये बात कहने का काम किया कि कोई मीडिया का साथ सवाल कर रहा था कि जब देखिए जब ऐसे हाइपोथेटिकल बात होगी, सार्केजम वाली बात होगी, तो फिर ये भी जानने की जरूरत है कि यही झारखंड के लोग हैं जो बड़े से बड़े बम का जिसने जवाब तीर धनुष से दिया है, आगे भी देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए सरोज जी के पास चल, सरोज जी मतलब जिस तरीके से प्रतिक्रिया हमने देखी बीजेपी की ओर से आई, उसमें साफ कहा गया कि मतलब कि जैसे दिवाली का वक्त था, दिल्ली में बैन की बात हुई थी पटाखों की, झारखंड बैन नहीं था, तो वो एटम बम वास्तव में यहाँ जो पटाखे चल सकते थे, जो एलिजिबल थे, परमिसेबल थे, वही की बात थी या फिर वाकई में कुछ गुड़ भी आपको लगा कि वो हो सकता है, हल्का फुल्का अंदाज ये था वो? देखिए मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, यहाँ खत्री जी बैठे हुए हैं, बार बार खत्री जी जिस तरह से महामहिम पर कह रहे हैं कि बम फोड़ दीजिए, आप बर्बाद कर दीजिए झारखंड को, क्या क्या जो नहीं कहना है वो सब बातें कह रहे हैं कि जो है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। किस तो कौन कर रहा है इस तरह की बातें? आप टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो पहले कहा कि इस महामहिम ने क्या कहा इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतना ही है कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज लिया है कि नहीं, उस पर इनको कुछ बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने लीज नहीं लिया है। अब ये लोग इतने बेचैन हैं तो ये डरे हुए, जो आपने कहा कि डरे हुए, इसलिए डरे हुए कि इनको पता है कि इन्होंने गलती किया है, इनके मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज लिया है, अपने पर्यावरण मंत्री रहते अपने पर्यावरण क्लियरेंस दिया है, तो इनको पता है कि माइंस मिनिस्टर रहते माइंस लिया है, पर्यावरण मंत्री रहते क्लियरेंस दिया है अपने नाम से, तो इनको डर है।
अगर डर नहीं रहता तो ये क्यों बेचैन रहते? आज इस तरह से कोर्ट में केस चल रहे हैं और महंगे महंगे वकील आ रहे हैं केवल इसलिए कि जांच में नहीं जाए। अरे भैया आप ईमानदार हैं, आप सब कुछ सही है, तो जांच से क्यों डर रहे हैं? आपको जांच करा लेना चाहिए कि भाई जांच कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है कि जांच होगी तो हम कहीं ना कहीं, अब बताइए ये सरकार, ऐसी सरकार कभी नहीं थी, ऐसी सरकार तो कभी नहीं थी रे भाई कि मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड AK-47 मिल रहा है एक मुख्यमंत्री के चहेते के यहाँ, ये मुख्यमंत्री का जो प्रतिनिधि है, एक बार सुनिए, नहीं नॉन स्टॉप बीच में नॉन स्टॉप ही बोलते, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि जेल में किस केस में है और वहां से जेल से वो ठीका मैनेज कर रहे हैं, आप ही लोग छाप रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं मीडिया ट्रायल करा जा रहा है, आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप लोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल मीडिया ट्रायल, यानी आप लोग जुटे हुए, इनका कहने का मतलब यही है कि आप लोग चला रहे हैं का अर्थ क्या होता है कि मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, यानी कि आप हमसे प्रभावित है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, आप पर आरोप लगाया नहीं इन्होंने कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल शब्द है, क्या बात कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है यानी कि हम लोग करवा रहे हैं, क्या होता है, कर रहे हैं हम लोग के कहने पर, इनके कहने का मीनिंग यही ना, मुख्यमंत्री का मीनिंग तो नहीं है ये तो राज्यपाल साहब ने कहा है कि अच्छा बताइए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का फोन पकड़ा है कि नहीं, आप ही लोग ने चलाया, जेल से बैठ के मैनेज कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी ईडी ने चार्जशीट किया है कि हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, अवैध माइनिंग हुआ है, यह भी गलत है क्या? तो ऐसी सरकार तो नहीं है, ऐसी सरकार तो नहीं, पहले की सरकार नहीं थी, बोले सरकार जो है इसको एकदम ऐसी सरकार तो कभी नहीं आई थी, सच में ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी, बात तो सही है, सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो और केवल जो है सो गवर्नर के माध्यम से महामहिम ने क्या कहा नहीं कहा वो तो महामहिम का विषय है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये फैसला आ जाए, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में है, जहां देखिए वही जो सरकार खान लोहा कोयला और जो कह रही है जंगल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार आई वो जंगल जंगल जमीन के लूटने पर लगी हुई है। देखिए ट्रायल तो हम करेंगे क्योंकि ट्रायल हमको करना होगा, क्योंकि देखिए हमें हमारे पास भी चीजें है नहीं, क्योंकि सब कुछ कयास भी हो रहा है, हाइपोथेटिकल ही हो रहा है, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के बयान बीच बीच में राज्यपाल साहब के आ जाएंगे तो हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें झारखंड की चिंता है, झारखंड की सरकार की चिंता है, झारखंड वासियों की चिंता है, क्योंकि झारखंड से जुड़ा मुद्दा है, तो हम तो ट्रायल करेंगे और हमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, बिल्कुल हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल करने का हमारा हक होता है, क्योंकि हम चीजों को, और इसलिए आपको तीन पक्षों को रखते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम अकेले खबर दिखा दे रहे हैं, हम तीनों पक्षों को रखे यहाँ पर, जेएमएम से, बीजेपी से, कांग्रेस से, और तीनों की बात हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रायल तो चलिए हो रहा है लेकिन स्पष्ट के साथ होना, पारदर्शिता के साथ होना पूरे। तौसीफ साहब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुहावरे भी होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके मजाक भी और मखौल भी उड़ते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो यूज करने पे संविधान का भी मखौल उड़ जाता है, तो आजकल ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ लोग शब्द को और मुहावरे को समझ नहीं रहे और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि डिबेट में किस तरह से बोलना है। इन्होंने क्या कहा, मीडिया ट्रायल का मतलब क्या है? देखिए बात वो नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को है, ये सत्ता पक्ष जो यहाँ पे सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उन किसी को किसी तरह की कोई बेचैनी, मैंने पहले ही कहा कुछ भी नहीं है, माइंड गेम है, ये साइकोलॉजी से खेलना चाह रहे हैं, ये केंद्र में बैठी हुई सरकार रिमोट कंट्रोल के द्वारा तरह तरह के सगुफे छोड़ती है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसको जो है मीडिया में और ऐसे माउथ कैंपेन करके आम कर रहे हैं, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए बात तो निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी, तो देखिए पिछली सरकार में जिस तरह, देखिए कहने का मतलब ये है एकदम आज तो आएगा ही, आप केंद्र में बैठे किसके, ये जितनी भी एजेंसियां हैं किसके अंडर में आती है, हेमंत सोरेन जी के अंडर में आती है, ईडी, सीबीआई, ईसी, ये सारे जो भी है, और जो सबसे बड़ा जो एक एजेंसी है वो जो जुडिशियरी है जिस पे सभी की आस्था है, ऐसे तो सब पे सबकी आस्था है लेकिन जुडिशियरी एक ऐसा है कि उसको आंख बंद करके लोग जो है मानते हैं कि नहीं यहाँ पे अभी भी अच्छा काम आ रहा है। क्या इनकी सरकार में ही जजेस बाहर निकल के लोकतंत्र पे, लोकतंत्र का मतलब क्या है,
लोकतंत्र का मतलब यह है कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, यानी लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इसी का मिसयूज हो रहा है तो लोकतंत्र का अलग चीज। और जो जो चीजें छापेमारी, देखिए छापेमारी जिस तरह से जज लोया का, जो जज लोया का केस चल रहा था और उस पे जब इन लोगों ने सवाल उठाया, जजेस ने उठा दिया तो इनको खलबली मच गई। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2013 के बाद जिस तरह से इन लोगों ने जो 14 के बाद मिसयूज किया है लोकतंत्र को और लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, नफरत इतनी ज्यादा बढ़ा दिया है कि आपस में सबको लड़ा दिया है, रोजगार खत्म कर दिया है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, ये सब सारी चीजें है। तो ये नहीं नहीं ये तो बात तो आएगी और नहीं बात तो आएगी नहीं बोलेंगे बात तो आएगी बात तो आएगी क्या बेरोजगारी नहीं है? आप आए थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, यहाँ लोगों को बेरोजगार कर दिया, किसको आपने बनाया? अडानी और अंबानी को। आज अडानी जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, किसने बनाया? वो जीरो से हीरो बन गया, किसने बनाया? और नहीं गए तो जवाब देना पड़ा। आप आए हैं एक ले दे करके, आप आए हैं कि यहाँ ये सत्ता ले लिया और लीज ले लिया, किसी ने नहीं लिया है, कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जितना ये लोग जितना चिल्ला ले, जहाँ जाना है जाए, कहीं कुछ नहीं होने वाला। सवाल सरोज जी से, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरोज जी साफ तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मिसयूज किया जा रहा है, क्या ईसीआई का इस्तेमाल भी हुआ है, क्या राजभवन का इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी की ओर से, हम ये जानना चाहते हैं स्पष्ट तरीके से, क्योंकि शिकायत आपने की। बेचैनी देख रहे हैं ना, बेचैनी देख रहे हैं ये सब की। एक चीज बताइए, 22 करोड़ रुपए पकड़ा गए छापा मार करके एक आईएएस के यहाँ, वो 22 करोड़ रुपए क्या मिसयूज किया? क्या ईडी ने अपने पास से ले जाकर रख दिया? क्या ईडी अपने पास से 22 करोड़ रख दिया? हम इस एक मिनट सुनिए, देखिए विषय से विषयांतर हो जा रहे हैं और विषय पे बात कर रहे हैं, एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे। लीज मुख्यमंत्री के नाम से बीजेपी साइन कर दिया था क्या? 1000 करोड़ का कोर्ट में ईडी चार्जशीट फाइल किया है कि 1000 करोड़ के ऊपर का घपला हुआ, इनको कौन रोका है? कोर्ट में इन पर, न्यायालय पर इनको बहुत भरोसा है, ये तो बात सही है, इनको भरोसा होना चाहिए। आपको भी भरोसा करना, मेरे हमको भी भरोसा है, आपको भी भरोसा है, आपने कहा आप लोग तो जब आए तो भरोसा ही करना। न्यायालय पर हमको तो पूरा भरोसा, हमको तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। जरा साहब बताइए ना कि अगर इन पर गलत अगर है, गलत ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, इनको कोर्ट जाने से कोई रोका है क्या? क्यों नहीं जा रहे हैं? 1,00,000 करोड़ रुपया इनके कांग्रेस की सरकार में 5,000 करोड़ रुपया का संपत्ति अटैच किया ईडी ने। आज 1,00,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ से ऊपर संपत्ति अटैच कर चुका है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, तो इनकी बेचैनी देख सकते हैं। 1,00,000 करोड़ की संपत्ति अटैच किया है भ्रष्टाचार में ईडी ने, इनके समय 5,000 करोड़ का हुआ। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वापस आ जाइए, मैंने वही बात कर, अब लीजिए आप सीबीआई ईडी पर जवाब मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो आप वापस आ जाइए, ये फालतू का इधर से उधर घूम रहे हैं, उन्हें भी नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो, हम तो विषय पर आ रहे हैं तो आप ये भाग रहे हैं, तो दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर ईडी सीबीआई अगर दुरुपयोग कर रही है तो कोर्ट कचहरी है ना, ये अपने ही कह रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, तो काहे डरे हुए भैया? कुछ नहीं होने वाला, चिल्ला क्यों रहे हो? आपसे कोई डरेगा? चिल्ला क्यों रहे हो आप? अरे लोकतंत्र मुख्यमंत्री बन रहे, आप मुझे डराइएगा, बात कर रहे हैं आपको आप इनसे कौन डरने वाला है? डरने डरा कर दिया, इसीलिए राहुल गांधी ने फिर चिल्लाया निकाला है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इन्हीं की वजह से ये खुद बोल रहे हैं। ये लोग तो डराए, पूरा डरा दिया, हिंदुस्तान को डरा दिया, पूरा भारत को तोड़ दिया। हम लोग जोड़ने पहले भी जोड़ा था, अभी भी जोड़ रहे हैं, तो ये लोग का तो काम ही है डराना, और आपसे कौन डरेगा जी? अदे चिल्लाने लगे तौसिफ भारत तोड़ दिया। ये जितनी बातें कहे हैं ये तथ्य, ये जितना ये तौसिफ भाई ने जितना बात कहा है उसका कोई सबूत है, कोई तथ्य है? अच्छा, मॉब लिंचिंग का गहवारा झारखंड, रघुवर दास के क्या? अरे अरे क्या कर रहे हैं? पेपर ऊपर पढ़ते हैं, अरे आप
पूरे दुनिया में झारखंड को शर्मसार कर रहा है। तनुष कदरी के पास एसपी था पूरा और जो जिन लोगों ने आप लोगों की बारियों में हमें चिल्ला के गला मेरा नहीं अपना देखिए नहीं चिल्ला पाइएगा लेकिन आप इंतजार तो कर रहे हैं ना कि इंतजार करने के बाद फैसला क्या उसके आधार पर आप लोग कुछ फिर आगे की कदम उठाए स्टेप उठाए। मैं नहीं सुन पाया आपका सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगले स्टेप का इंतजार तो होगा आपको ना और इसलिए जल्दी से बात आप जल्दी करें। इसमें डरने वाली बात तो खैर है नहीं बिल्कुल भी। हाँ डरने के बात रहती तो इतने अगले स्टेप के लिए आप लोग तैयारी कर रहे ना कि इंतजार इसी बात पर है कि जल्दी से जो भी फैसला लेना ले लें। राज्यपाल साहब देखिए हम लोग सीधे साधे लोग हैं ठीक है। हम लोग सिंपल भाषा में बोल रहे हैं। लगातार डेलीगेशन भी गया कि कुछ यदि है तो बताइए क्या गुनाह है। ये बोलना है गुनाह पंकज जी बताइए। आग्रह तो किया जा सकता है। आग्रह और क्या कर रहे हैं हम लोग आग्रह ही तो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी है अगर कुछ होता तो ये एक आधा मिनट नहीं रुकते। आपको याद होगा पंकज जी सब बात आप देखिए फिर अरे फिर बीच में देखिए मैंने संयम का परिचय दिया बीच में नहीं बोला पूरा सब बात किसी नहीं बोलेगा सब बात ये चिंता तो वाजिब है। अरे बेचैन आत्मा तो वाजिब है। सुनिए पंकज जी क्यों बेचैन है। अच्छा ठीक है इसी पर बात करेंगे। पंकज जी आपको याद है चिंता क्यों डर क्यों इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तनुज खत्री थोड़ा सा माफी चाहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी पर चर्चा करेंगे हम। सरोज जी सर लाइक एंड शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत सच है तो दिखेगा।